हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डीबीएमएस स्कूल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं एसक्यूएल, और एसक्यूएल में हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेरीज बताई थी और उसी को हम एक्सटेंड करेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम वेयर क्लॉज को मिसिंग कर दें तो क्या होगा, या स्टार अगर कहीं पर किसी क्वेरी में लगा हो तो क्या उसकी मीनिंग है, या कैसे आप लगाएंगे स्टार, तो ये चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हम लोग जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपने बताया था आप लोगों को कि जो एसक्यूएल रिलेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट एक सेट नहीं होता है, बट हम लोग उसको सेट लगा सकते हैं। हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरीके से आप रिजल्ट को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहते हैं तो आप कैसे उसको आप ऑर्डर्ड बाय कीवर्ड यूज करके और किस तरीके से आप अपने डिजायर्ड ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर लेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है उसके किसी पोर्शन को अगर आपको कंपेयर करना है तो किस तरीके से करेंगे। और तो आइए हम लोग अपना ये लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में भी टेबल शो कर दूं। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है, ये इन इंस्टेंसेस के साथ। ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है, ये हमारी डिपार्टमेंट लोकेशंस टेबल, ये हमारी प्रोजेक्ट टेबल, और फिर ये हमारी वर्क्स ऑन टेबल है, और ये डिपेंडेंट टेबल है। तो ये हमारी टेबल है। अब हम चलिए अपना आज का लेक्चर अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ पे क्लोज किया था वो यहाँ पे क्लोज किया था कि अनस्पेसिफाइड वेयर क्लॉज एंड यूज ऑफ एस्ट्रिक स्टार अगर कहीं कहीं पे क्वेरी में आ जाए, या कब स्टार आ जाए तो क्या मतलब है, या हमें जब स्टार लगाना होगा तो कब हम लगाएंगे। जैसे अब आइए, जैसे हम अब तीन क्लॉज हमने पढ़े थे, आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर में हमने तीन क्लॉज पढ़े थे, सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर। तो अगर आप कोई वेयर क्लॉज ना लगाए, जैसे सपोज करिए हमने इन क्वेरी टैब्स की कोई जरूरत नहीं है, जैसे सपोज करिए कि हम लिखते हैं सेलेक्ट SSN, सेलेक्ट SSN फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे हम सपोज करिए इतनी क्वेरी लिख दें, केवल सेलेक्ट SSN फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या आउटपुट होना चाहिए इस क्वेरी का आपके हिसाब से, जैसे किसका SSN निकाले। अब यहां पे कोई कंडीशन तो हमने इंपोज ही नहीं की, कंडीशन तो हमने दी ही नहीं है, तो ऐसे में ये क्या क्वेरी चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए हम लोग देखते हैं। इसको हमने रन कराया, जैसे ही हमने रन कराया देखिए बहुत सारे यहां पे इवन बहुत सारे क्या जितने भी एम्प्लॉई टेबल में एंट्री है उन सब का SSN यहां पे आ गया। तो अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाते हैं तो जो जिस भी आप एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करते हो पूरा का पूरा कॉलम वो डिस्प्ले हो जाता है। एक से ज्यादा अगर आप सेलेक्ट करते, जैसे सपोज करिए SSN और फिर मैं यहां पे लिख दूं बी डेट, SSN बी डेट, ये दो चीजें अगर हम सेलेक्ट कर लें तो क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज का SSN बी डेट। अगर आप यहां पे इस तरीके से सेलेक्ट करें बी डेट के बाद एफ नेम भी अगर आप रखना चाहते हैं तो एफ नेम भी ऐड कर लीजिए, आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दीजिए, देखिए आ गया SSN बी डेट एफ नेम, ये सारी चीजें आ गई आपके पास। अब ये तो बड़ा अच्छा तरीका हो गया यार, वेयर क्लॉज अगर कंडीशन ना लगाओ तो सब कुछ दे रहा है। तो इसी में एक होता है, आपको शुरुआत में याद भी हो हमने ऐसा कराया भी था, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेबल के सारे रोज और सारे कॉलम डिस्प्ले कराने हैं, सारे रोज सारे कॉलम अगर डिस्प्ले कराने हैं तो आप सिंपल स्टार लिख देते हैं वहां पे। जैसे अब यहाँ पे मुझे आप ये समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट्स बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे एंट्रीज बढ़ती जा रही है आउटपुट वाले सेक्शन में। तो हम अब एक टेबल में 25 कॉलम है अगर, तो 25 कॉलम्स का नाम लिखें, कोई कंडीशन हमें लगानी नहीं है, तो इसके लिए एस्ट्रिक ऑपरेटर दिया हो गया है। आप इतने की जगह पे सिंपल स्टार यूज कर लीजिए, स्टार यूज कर लीजिए तो सारी उस टेबल के सारे कॉलम्स और सारे रोज डिस्प्ले हो जाएंगे बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंडीशन के सारे रो सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे दिख रहे हो तो देख लीजिए सब कुछ डिस्प्ले हो गया है यहाँ पे, इतनी ही एंट्री थी हमारे एम्प्लॉय टेबल में। किसी भी टेबल के लिए ये हो सकता है, आप अगर लिखना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट तो आप डिपार्टमेंट टेबल के लिए कर लीजिए।
हम जानबूझ के कैपिटल में लिख रहे हैं बार बार नाम, अगर कभी स्मॉल में आ भी जा रहा है तो मैं उसको मिटा के बार बार कैपिटल में लिख रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये एक जनरल कन्वेंशन है, इसी तरीके से लिखिए एग्जाम में, वरना वो कौन चेक कर रहा है और कौन उसको इवेल्युएट कर रहा है, इस पे आपका गलत होने का चांस बहुत है। तो इसीलिए मैं कोई गलत प्रैक्टिस आपको नहीं कराना चाहता। अब ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट किया तो डिपार्टमेंट टेबल में जो भी एंट्रीज थी वो खटाखट आपके सामने आ गई। तो ये तो हमें बहुत बढ़िया टूल मिल गया है, मजा आ गया, शाबाश। तो अब आगे देखते हैं और इसमें और क्या चीजें हैं। तो हम लोग ये स्ट्रिक्ट क्लॉज का यूज करके, और अच्छा ऐसा नहीं है कि स्टार में स्ट्रिक्ट क्लॉज केवल सब कुछ जब सेलेक्ट करना हो तभी, जैसे वो पर्टिक आप स्ट्रिक्ट में कंडीशन भी लगा सकते हो, जैसे वो सारे एम्प्लॉय सेलेक्ट करो जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं। अब यहां पे आ जाइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा एस्ट्रिक का ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ना समझें कि एस्ट्रिक का जो यूज है वो केवल वहीं पे होगा जहां पे कोई कंडीशन नहीं होगी या वेयर क्लॉज जहां पे मिसिंग हो। आप वेयर क्लॉज के साथ भी एस्ट्रिक को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए हमें एम्प्लॉय टेबल से वो सारे एम्प्लॉयज का डिटेल निकालना है जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे एम्प्लॉई हम ऐड कर दे रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर उनका डिपार्टमेंट नंबर डी एन ओ इक्वल्स टू क्या हो, 5। 5 नंबर डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज की डिटेल हमें, एम्प्लॉयज की सारी डिटेल चाहिए। सेलेक्ट स्टार करने का मतलब है कि एक तो अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम केवल टेबल नेम दिया है तो सारे रोज सारे कॉलम, आप स्टार में कंडीशन भी इंपोज कर सकते हैं। ये मैं दिखा रहा हूं, डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सारी डिटेल आ जाएगी, देखिए आ गई। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रिक जो है वो वेयर क्लॉज जहां पे मिसिंग होगा वहीं पे काम करेगा। अगर वेयर क्लॉज मिसिंग हो तब किस तरीके से आएगा, और हम एस्ट्रिक को वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये समझने वाली चीज है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़े। अब जैसे अब मैंने अब लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई एसक्यूएल की जो टेबल है या एसक्यूएल रिलेशन है वो सेट नहीं है, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेट हो ही, क्योंकि बिना प्राइमरी की के भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल एग्जिस्ट करती है प्राइमरी की। तो ऐसे कंडीशंस में मल्टीपल एंट्रीज वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, एक ही एंट्री मल्टीपल टाइम्स एग्जिस्ट करती है, एक ही एंट्री मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम चाहें तो अपनी टेबल को हम सेट बना सकते हैं, टेबल को हम अपने सेट बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप अगर प्राइमरी की सेलेक्ट कर लें तो प्राइमरी की जिस टेबल में होगा वो टेबल हमेशा सेट की कंडीशन को फॉलो करेगी, वो सेट होगी ही। और भी तरीके हैं, जैसे कि आप अगर कोई रिट्रीव ऑपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एक ही टाइम आप चाहते हो आए, जैसे कि आपने ये क्वेरी की, सपोज करिए ये क्वेरी की, सेलेक्ट ऑल सैलरी, सेलेक्ट ऑल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट ऑल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई। अब यहां पे देखिए क्या आ गया, एम्प्लॉई टेबल में जितनी भी सैलरीज हैं, वो सारी सैलरीज आ गई, 30,000, 40,000, 25,000। तो ये रिजल्ट एक सेट कहाँ रहा, सेट में। तो आपको पता है कि सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है। आप चाहें तो इसको सेट बना सकते हैं। इसको सेट कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट आप यूज कर लीजिए यहाँ पे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड जब आप यूज कर लेंगे, कैपिटल में ही लिखते हैं हम लोग, कीवर्ड को कैपिटल रखते हैं यहाँ पे, हालांकि स्मॉल में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई ऐसा ना सोचे बस, बट प्रैक्टिस वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमने यूज कर लिया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड जब यूज कर लिया और एग्जीक्यूट कराएंगे,
अभी देख लीजिए यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज है, 25,000 तीन बार आ रहा है, तीन लोगों की सैलरी 25,000 है। आप बस ये देखना चाह रहे हो कि हाँ एम्प्लॉयज की कितनी सैलरी है, कितनी बार एक सैलरी है, ये नहीं देखना चाह रहे। तो ये देखिए अब यहाँ पे आ गया डिस्टिंक्ट कीवर्ड जैसे हमने यूज किया, तो अब जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो हट गई और ये जो टेबल बनी है, ये टेबल हमारी, ये टेबल जो है ये एक सेट है, ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एसक्यूएल टेबल है जो कि सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरीके से, अच्छा हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सेट ही बना दे, ऐसा कंपोज कंडीशन इम्पोज कर दें एसक्यूएल में कि हर टेबल जो है वो सेट के ही फॉर्म में आ जाए या सेट हो ही जाए, तो ये सब लफड़ा खत्म हो जाए। एक्चुअली इसका यही रीजन है, इसके पीछे कारण ये है कि कई बार ऐसी जरूरत आती है कि मल्टीपल एंट्रीज करनी पड़ती हैं आपको एक ही चीज़ की। जैसे एक आप कहीं कोई सपोज करिए आपने कोई कंपनी खोली है और वहाँ पे कंपनी में आप इस चीज़ के लंच का आप दे रहे हो, तो एक एम्प्लॉई सेम, उस एम्प्लॉई की सारी एंट्री सेम होगी, एक दिन में दो बार ना लंच कर ले, वो टोकन ले के चला जाए, और तो इस तरीके की कंडीशन आप इम्प्रूव करना चाहते हो। या फिर ऐसा है कि आप बाद में बिलिंग, जैसे कंपनी है कोई कि पहले आप खाना वाना खाइए, महीने के एंड में जितना आप होता है बिल वो पूरा पे कर देंगे, तो एक एम्प्लॉई ने अगर किसी दूसरे दोस्त को पार्टी दिया और लंच अपने ही आईडी पे लिया है तो वो दो बार उसकी एंट्री होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ऐसा अलग से कंडीशन इम्पोज कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी। फिर अगर हमने एसक्यूएल टेबल को जबरदस्ती का सेट बना दिया तो फिर इसके लिए हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि ये हम कोई सेट बनाने की कंडीशन इम्पोज नहीं करते हैं, हम बाद में अगर डिस्टिंक्ट देखना हुआ कहाँ कोई पर्टिकुलर कितनी बार गया तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड से यूज करते हुए और इस तरीके की चीज़ें कर लेते हैं। तो ये भी आपके समझने और जानने वाली चीज है। नेक्स्ट, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं जो मैं नोट्स, इस नोट्स का लिंक शेयर कर दूंगा। एक ही चीज को बार बार बता के और टाइम को यहां पे वेस्ट करने का आप लोग सब लोग कर ही लेंगे खुद से। अच्छा एक और भी चीज है कि जैसे अब अगर कोई टेबल किसी एसक्यूएल रिलेशन को हमने अगर सेट बना दिया है, तो अगर हमने सेट बना दिया है तो वो सेट के जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं हम, उनको उन ऑपरेशंस को वो सपोर्ट करेगा। कौन कौन से जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे यूनियन है, यूनियन ऑपरेशन है, डिफरेंस है, दो सेट का डिफरेंस उसको एक्सेप्ट यहाँ कीवर्ड है उसके लिए, या फिर दो सेट का आप इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो आप इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी फॉलो कर, जैसे ये सिंपल क्वेरी है, क्या कह रही है क्वेरी, चलिए इस क्वेरी को हम लोग रन कराएं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट नंबर्स फॉर प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व एन एम्प्लॉई हुज लास्ट नेम इज स्मिथ आइदर एज अ वर्कर और एज अ मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट दैट कंट्रोल्स द प्रोजेक्ट। तो अब इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज आएंगी, आपको अगर लग रहा है ये पढ़ रहे हैं और ये टेबल देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको डुप्लीकेट एंट्रीज आएंगी। हम यहाँ पे यूनियन लेके देखते हैं कि ये इस यूनियन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। चलिए हमने इसको ले लिया, दो चीजों का यूनियन हमको लेना है, तो यूनियन को ये सपोर्ट करता है कि नहीं, हम लोग यहां से देख लें जरा। यहां से किया हमने कॉपी और यहां पे किया पेस्ट, हम जरा सा इसमें जो ये है इसको, अच्छा चलिए अगर रन कराए एरर आ गई तो बाद में देखते हैं। ये दो क्वेरीज हैं, दोनों का वो है और इसमें एरर आई गई जैसा कि मुझे लग रहा था। यहाँ पे सिंगल कोट्स सही से नहीं लगा है इसलिए एरर आ गई, और यहाँ पे भी नहीं लगा होगा सही से, अगर वहाँ नहीं लगा है तो यहाँ पे भी चेंज कर लीजिए सिंगल कोट्स को। तो ये मैंने वो कॉपी पेस्ट है इस वजह से आ रहा है, आप लिखेंगे तो ये सारी एरर नहीं आएंगी। तो चलिए देखिए अब ये आया, दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2, इन दोनों पे हो रहा है। अब आपको ये क्वेरीज इन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और ये सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि आप खुद से ज्वाइन करेंगे। ये D num equals to D number एंड MGRSSN equals to SSN, ये हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं किस कंडीशन पे, ये अब आपको खुद से क्वेरी में अपना दिमाग लगाना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे जो ये रेड स्ट्रिंग में हमने लिख रखा है कि स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एक्चुअली जब हम इसकी जरूरत यहाँ पे, अब क्या है ये समझना है,
जैसे डिपार्टमेंट नंबर 5 वो एक नंबर है, तो DNO इक्वल्स टू 5 आप कर देते हैं तो पूरा पूरा कंपेयर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे आपका एड्रेस एट्रीब्यूट है यहाँ पे वो कंपोजिट है, तो एड्रेस एट्रीब्यूट 45 कैरेक्टर लॉन्ग है और हमको ऐसे लोगों का एड्रेस निकालना है कि जो कि एक सिटी को बिलोंग करते हैं या एक स्टेट को बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिया है कि ऐसे लोगों का एड्रेस आप निकालिए जो ह्यूस्टन टेक्सास में रहते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं इस एम्प्लॉय में, इस कंपनी में एम्प्लॉय जैसे जो ह्यूस्टन टेक्सास में है, तो या तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरे के पूरे एड्रेस को कंपेयर करिए, या ये कैसे निकालेंगे आप, जैसे सबका एड्रेस पूछा होता तब तो आप बता देते, इस चीज को एड्रेस से कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग के पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक तो ये परसेंट ऑपरेटर जिसको मॉडुलो बोलते हैं और दूसरा अंडरस्कोर ऑपरेटर। जो ये परसेंट ऑपरेटर है ये कितने भी बड़ी स्ट्रिंग हो उसमें से आप जितना देंगे केवल उतने को मैच करेगा, बाकी सबको हटा देगा। ये अंडरस्कोर जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को हटाता है, बाकी सबको मैच करता है। तो हम लोग लाइक कीवर्ड यूज करते हैं इसके लिए, लाइक कीवर्ड। लाइक कीवर्ड में जितने भी लोगों का एड्रेस दिया हुआ है ह्यूस्टन टेक्सास, ये ऐसा ढूंढेगा केवल एड्रेसेस में जाके। जैसे आप एम्प्लॉय टेबल देख लीजिए, सबसे पहले ये इतने लोग हैं जिनका एड्रेस जो एम्प्लॉय टेबल में है, ये सब कहाँ पे हैं, ह्यूस्टन टेक्सास, ह्यूस्टन टेक्सास, ये हम्बल में रहते हैं, तो ह्यूस्टन वालों का एड्रेस आएगा। तो कैसे हम लोग क्वेरी लिखें, इस तरीके से लिखें, यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार कर रखा है, यहाँ पे हम दो ही चीज ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए एफ नेम ले लिया हमने, एफ नेम, और हमने सपोज करिए एल नेम ले लिया। आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये इतने लोग आ गए, इतने नाम जो कि कहाँ पे रहते हैं, ह्यूस्टन टेक्सास में। तो आपको अगर कोई बड़ी सी स्ट्रिंग दी है उसकी, उस स्ट्रिंग के किसी सब स्ट्रिंग को आपको कीवर्ड बनाते हुए, जैसे सपोज करिए अगर इतना नहीं समझ में आ रहा तो ये सपोज करिए, जैसे कोई कंपनी है इंडिया में, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, और उसमें मल्टीपल स्टेट्स के लोग काम करने वाले, तो किसी दिन आपसे आके कोई पूछ ले कि हजारों एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी में, कितने लोग हैं जो इस कंपनी में यूपी लखनऊ के हैं, या कितने लोग हैं जो यूपी स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट के हैं, तो आप एड्रेसेस में सबके एड्रेस में उत्तर प्रदेश होगा। तो आप केवल आप ये क्वेरी लाइक कीवर्ड यूज करेंगे और परसेंट ऐसे लगाएंगे सिंबल, और क्वेरी को लिख देंगे कि सेलेक्ट उनकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से, अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेलेक्ट स्टार कर लेंगे, कुछ कुछ पर्टिकुलर चाहिए तो, और इस तरीके से करते हुए आप इसको क्वेरी को कर देंगे तो उस पर्टिकुलर स्टेट के रहने वाले लोग आ जाएंगे। तो ये जनरली ये हम कंपेरिजन उसी एट्रीब्यूट पे करते हैं जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सिंगल एट्रीब्यूट है तो सीधे सीधे हम लोग इक्वालिटी लगा के, या न्यूमेरिक है तो इक्वल ऑपरेटर से कर ले जाते हैं। ठीक है, दूसरा है जो इसमें ये है आपका अंडरस्कोर। जैसे आपको ऐसा करना है कि उन सारे एम्प्लॉयज का निकालना है आपको डेट ऑफ बर्थ, या उन सारे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए जो 1970s में जिनका बर्थ हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जिनका 1970s में। तब आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको और सारी जो बर्थ डेट है किसी एम्प्लॉय का बर्थ डेट, उसमें ये इतने सारे कैरेक्टर्स हैं 4 और 4, 8 to 10 में से आपको केवल एक पोजीशन को कंपेयर करना है कि 19 के बाद जो 7 है, 1970s में जो है जिसके उसमें 7 है, आपको केवल उसको लेना है। तो आप 7 वाली पोजीशन पे केवल 7 रहने दीजिए और बाकी सारे जगहों पे अंडरस्कोर लगा दीजिए। इस तरीके से हम इस क्वेरी को लिखेंगे, लिख के और चलिए देखते हैं एग्जीक्यूट करा के क्या होता है, एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे सपोज करिए हमने इसको कंट्रोल से किया, ले चल के यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको न्यू क्वेरी टैब ले लिए, और यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको कंट्रोल वी। तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, वो एरर मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से है, इसको मैं ज़रूर से हैंडल कर लूँ पहले ही, और इसकी वजह से है। तो अब मुझे लग रहा है कि एरर रिमूव हो गई है, अब आना चाहिए। चलिए अब मुझे लग रहा है कि इसमें सब कुछ सही सही है, अब हम लोग रन कराते हैं। देखिए आ गया, जॉयस एक ऐसे हैं जिनका बर्थ जो है 1970s में हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं जॉयस है जो 1970s में। तो अगर आपको ऐसे सिंगल कैरेक्टर
को मैच कराना है, बाकी सबको ओमिट करना है, तो आप जितने भी जगहों को, जितने भी प्लेसेस को ओमिट करना है उन सब के जगह पे आप अंडरस्कोर ऐसे लगा देंगे, और जिसको मैच कराना है आप उसको यहाँ पे रहने दें। यहाँ पे भी इसमें भी लाइक कीवर्ड चलेगा, लाइक बाकी अंडरस्कोर मतलब उनको मैच नहीं करना है, ओमिट करना है एक एक करके, और इस 7 को केवल मैच करना है। तो जहाँ भी आपका पैटर्न मैचिंग या स्ट्रिंग मैचिंग इस टाइप की चीज़ आएगी तो आप इस तरीके से क्वेरी को अंडरस्कोर लगा के और लाइक और इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब जैसे अब एक और भी चीज है इसमें, जैसे अगर सपोज करिए किसी को अगर परसेंट को ही मैच कराना हुआ, तो अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है जैसे हमारी स्ट्रिंग है, सपोज करिए ये ए बी सी डी ई मॉडुलो ई एफ, इस स्ट्रिंग को अगर मैच कराना है तो मॉडुलो जो या परसेंट जो सिंबल बता रहे हैं ये मैच कराने के लिए है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस, उसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस को ऐसा सिंबल होता है जो उस स्ट्रिंग में यूज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग एज अ एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग उसको डबल सिंगल कोट्स में ऐसे हम लिख के एस्केप लिख के और दे देते हैं। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे अगर इस स्ट्रिंग में मैच कराना हो हमें, तो हम लोग जहां जहां ये इस तरीके से बीच बीच में हम लोग ऐसे एस्केप सीक्वेंस को रखते हुए और बाद में एस्केप और ये इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा वो भी मैच हो जाएगा। अगर उसी तरीके से किसी को सिंगल कोट्स भी मैच करना हो, स्ट्रिंग तो हमेशा सिंगल कोट में लिखी जा रही है, क्वेरी लिखी जा रही है सिंगल कोट में, तो सिंगल कोट को हम डबल कोट्स में रख देते हैं तो सिंगल कोट्स भी मैच हो जाएगा। तो ये दो क्वेरी आप खुद से लिखेंगे और वहां पे एग्जीक्यूट कराएंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, जैसे अब इसमें हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी जैसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे। जैसे सपोज करिए ऐसा है, कोई ऐसी क्वेरी आ गई कि प्रोडक्ट एक्स पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की सैलरी को 10% से बढ़ाना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए क्या ई डॉट सैलरी में क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया है 1.1, इसका क्या मतलब है 1.1 मल्टीप्लाई करने का कि 10%, जैसे 100 का 10% कितना होगा 110 ही होगा, तो उसमें 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया है एज इंक्रीज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई एज ई, एम्प्लॉई को ई ले लिया है, यहाँ पे ई डॉट एल नेम लिखा है ना, इसलिए एज कीवर्ड यूज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, एंड पी नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट एक्स, तो इस क्वेरी को भी आप लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब जैसे हम लोग एंड की जगह पे बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं पे अगर जैसे सैलरी, जैसे सपोज करें सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 5 हुज सैलरी इज बिटवीन 30,000 एंड 40,000, तो हम लोग चलिए इस क्वेरी को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं और सैलरी जो है वो 30,000 टू 40,000 के बीच है, तो या तो हम ये एंड लगा के एंड क्लॉज लगा के और हम सैलरी को ग्रेटर देन एंड लेस देन 30,000 लिखे, और या तो फिर हम बिटवीन क्लॉज यूज कर लें, अगर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 40,000 कर दें, इस तरीके से हम इतना लिख दें तो जो भी उस रेंज की वैल्यू होगी वो सारी आ जाती हैं इस तरीके से। चलिए इस क्वेरी को हम लोग कर लेते हैं, क्या आता है आउटपुट देखते हैं एग्जीक्यूट करा के। ये है, हमने बिटवीन क्लॉज यूज किया हुआ है, इसको ये आ रहा है, ये वो लोग हैं जो 30,000 और 40,000 की सैलरी के बीच हैं। देख लीजिए यहाँ पे 30-40 इक्वालिटी लगा रखे बिटवीन में, अगर आप इक्वालिटी नहीं करनी है तो बिटवीन में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 30,000 एंड 1 कर दीजिए, यहाँ पे हमने 1 कर दिया तो 30,000 वाला गायब हो जाएगा, 1 करके और फिर एग्जीक्यूट करा दीजिए तो 30,000 वाला गायब हो गया। इस तरीके से बिटवीन क्लॉज आप पूरा ये लिखने की जगह पे पूरा आप ये लिखें, या तो बिटवीन नहीं लगाए होते तो आप ऐसे लिखते इसको कि कंपेयर करते हुए, तो अगर आप को इस तरीके के कोई रेंज टाइप की वैल्यू लेनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एक है हमारे पास कि जैसे कोई आपने क्वेरी किया और आपका जो रिजल्ट है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आप चाहते हैं कि जैसे आप क्वेरी करते हैं तो उसमें से एक एक करके वो ढूंढता है और किसी भी ऑर्डर में दे देता है,
इन जनरल वो असेंडिंग ऑर्डर में दे देता है। तो आपको चाहिए, आपको अपने ऑर्डर में चाहिए, तो आप ऑर्डर्ड बाई कर देंगे तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में देगा। अगर आपको ऑर्डर्ड बाई में असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग में चाहिए तो आप DESC लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो ऑर्डर्ड बाई क्लॉज का ये है कि आप अपना आउटपुट जिस ऑर्डर में चाहते हैं उस तरीके से ले सकते हैं। तो ये क्वेरी है, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड द प्रोजेक्ट्स दे आर वर्किंग ऑन ऑर्डर्ड बाई डिपार्टमेंट एंड विद इन ईच डिपार्टमेंट ऑर्डर्ड अल्फाबेटिकली बाई लास्ट नेम एंड देन फर्स्ट नेम। इस तरीके से आपको चाहिए। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, सेलेक्ट डी डॉट, अब ये डी डॉट एज अ डिपार्टमेंट एज डी, डी डॉट डी डी नेम, ई डॉट एल नेम, ई डॉट एफ नेम और पी डॉट पी नेम, ये चीजें। ये फिर लिख दिया फ्रॉम क्लॉज में, ये एज लगा दिया। वेयर डी डॉट डी नंबर इक्वल्स टू ई डॉट डी एन ओ, ये तो आपका वेयर क्लॉज। अब उसके बाद ऑर्डर्ड बाई डी डॉट डी नेम, ई डॉट एल नेम और एफ डॉट ई डॉट एफ नेम, इस तरीके से आप ऑर्डर्ड करके आप निकाल सकते हो, ऑर्डर्ड क्लॉज का यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आइए चलिए हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। देखिए अब डी नेम, अब ये अल्फाबेटिकल जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डरिंग आपकी उसी में हो, केवल नंबर के बेस पे हो, ऑर्डरिंग अल्फाबेटिकल भी हो सकती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ ऑर्डरिंग कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ए के बाद एच, फिर रिसर्च और फिर यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है, फिर जब्बार और ऐसे इस तरीके से ऑर्डरिंग इसने की हुई है पूरा। तो ऑर्डर बाई टपल आप लगाते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। अगर आप द डिफॉल्ट ऑर्डर, ऑर्डर्ड बाई का डिफॉल्ट ऑर्डर है असेंडिंग का, तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप DESC कीवर्ड यूज करिए इस तरीके से, ऑर्डर्ड बाई डी डॉट डी नेम DESC, जहाँ जहाँ आपको चाहिए, जहाँ जहाँ असेंडिंग चाहिए वहाँ वहाँ ASC लिखिए, और जहाँ जहाँ डिसेंडिंग चाहिए वहाँ पे, बाई डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है, तो यहाँ पे इनको चाहिए कुछ में डिसेंडिंग कुछ में असेंडिंग, तो आप ये क्वेरीज को करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। तो अब हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में कुछ नई क्वेरीज के साथ। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बेसिक्स के पढ़ाई के लिए ये SQL के लिए एकदम सबसे बेस्ट चैनल है। गेट का भी अभी हम स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो गेट के लिए भी इसी तरीके से बेस्ट चैनल है ये। तो अब मिलते हैं जल्दी हम लोग नई क्वेरीज के साथ, तब तक के लिए